नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लेकर आए हैं और इस जीवन परिचय को आप याद कर लीजिएगा। इसकी ऑडियो फाइल और पीडीएफ फाइल और वीडियो आप सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लाल कलर के बटन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इस लाल कलर के बटन को आप दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप जा करके सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को देर नहीं करेंगे, चलेंगे स्टार्ट करेंगे और आप ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देख लीजिए, आपको सभी के जीवन परिचय ऑडियो वीडियो फाइल में और पीडीएफ फाइल भी आपको बेहतरीन मिलेगी, जिस तरह से ये पीडीएफ फाइल अभी दिखाएंगे, इसी पीडीएफ फाइल की तरह आपको सारी फाइलें मिलेंगी। तो अगर आप मोबाइल और टेक्निकल संबंधी वीडियो चाहते हैं और हाई स्कूल इंटर संबंधी सभी विषय के सभी, एक हिंदी की इंडेक्स वीडियो आएगी, हिंदी को आप 90% मार्क कैसे ला सकते हैं, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। जल्द ही आप चैनल पर जुड़ जाइए, तब सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि वीडियो में है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय है। तो इसमें आपको उनकी इमेज और इनका जीवन, रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर और 1908 को हुआ था, यहाँ पर हाईलाइट किया गया नीले कलर का, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए। और इनका सिमरिया जिले के नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद इनका टोटली जीवन परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रपति से बोध कवि के रूप में माने जाते थे। दिनकर का बचपन और कार देहांत में देहात में ही बीता था, और जहां दूर दूर तक खेत और इसी तरह मिली देहात में थे वो, तो उनके बगीचे वगैरह झुरमुरगर में इनका वहाँ रहन सहन था। इसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी 24 अप्रैल 1974, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर नहीं तो ये सारी चीज़ें टोटली यहाँ पर दी गई है, इन चीज़ को देख लीजिएगा। जन्म और मृत्यु जरूरी है, इसे देख करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, दिखाते हैं इनका शिक्षा। शिक्षा इनकी मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय में बी ए ऑनर्स किया था इन्होंने, और मिडिल कक्षा में पढ़ते थे, और तभी बीरबाला नामक काव्य की इन्होंने रचना कर ली थी। और उसके बाद ये हाई स्कूल में, मोकामा घाट में हाई स्कूल के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। 1934 ईस्वी में सरकारी नौकरी में आए तथा कुछ समय बाद वो मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष बने। जितनी चीज़ें हाईलाइट हैं, हाईलाइट चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं 1963 में। 1962 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए हैं, और भारत सरकार के सलाहकार भी, आकाशवाणी के निदेशक भी बने हैं। तो इस तरह से ये था। और इनकी कृतियाँ देख लेते हैं, इनकी कृतियाँ में निबंध संग्रह है, इधर आप देख लीजिएगा ये कृतियाँ, संगीत ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ, सारी चीज़ें हैं। तो वो सभी चीज़ें हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आगे, निबंध संग्रह, संगीत, संस्कृत ग्रंथ में आपका संस्कृत 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता और आलोचना यहाँ पर आ रहना चाहिए था। आलोचना ग्रंथ में आपका रेणु का अहंकार और सामधिनी रूपवंती, कुरुक्षेत्र स्मृति, उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा। उसके बाद भाषा शैली, इनकी भाषा शैली प्रभावपूर्ण थी और समानता भाषा शैली में इनके कुछ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया जाता था। भाषा में इनका भाषा हेडिंग यहाँ पर है, देख लीजिएगा ये है, इसको हाईलाइट करना भूल गए, हेडिंग बनाना था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं इनकी भाषा साहित्य खड़ी बोली थी, और संस्कृत 4 अध्याय जो थी वो विवेचनात्मक रचना में थी, और भाषा संस्कृत निष्ठ भी थी, अत्यंत प्राजल और तत्सम देश शब्दों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया था, सुबोध से स्पष्ट और सारी चीज़ें विद्यमान थी। शैली इनकी जो है विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और भावात्मक, सूक्तिपरक शैली थी।
इन शैलियों के अतिरिक्त दिनकर जी की रचनाओं में आत्मकथा शैली भी बहुत ही मिलती है और वार्तालाप शैली भी इनकी शैलियों में से बोधन शैलियाँ भी मिलती हैं। ये सारी शैलियाँ मिलती हैं और इनके हिंदी साहित्य में स्थान था। साहित्य के योगदान में इनका रामदास सिंह दिनकर चिन्हे राष्ट्रकवि कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, देशभक्तपूर्ण रचना की थी, राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, वीर रस में भी ये माहिर थे। लौकिक सूर की बढ़ोतरी के कारण तो इन साहित्यिक प्रतिभा का सम्मान भी मिला था और उसके बाद पद्म भूषण भी मिला था। 1959 में पद्म भूषण से अलंकृत किया था और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। 1,00,000 रुपये ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी इनको पुरस्कृत किया गया है। साहित्य में इनका स्थान, दिनकर जी समर्थ कवि नहीं थे, उत्कृष्ट गद्यकार भी थे। संस्कृत के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज उच्च कोटि के गद्य कृतियों में इन्हें महान चिंतक और मनीषी गद्य लेखक कोट में प्रसिद्धित करती है। और सरस्वती इस अमर साधक ने देश के प्रति असीम राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। राष्ट्रीय भावना पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य के मूल धरोहर है। इस गणना विश्व के महान साहित्यकारों में से होती है। इस तरह से इनका पूरा जीवन परिचय था। टोटली आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी PDF जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से लोड कर सकते हैं। और इनकी ऑडियो फाइल भी, इसकी ऑडियो दूसरी तरह है, आपकी ऑडियो भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑडियो भी डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जाके डिस्क्रिप्शन लिंक के। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको 90% हिंदी में मार्क्स लाने का एक वीडियो आएगा, चुप वीडियो होगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।